अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुना की हालत में मां के पेट में पड़ा देख तू बातिन की सच्चाई पसंद करता है और बातिन ही में मुझे दानाई सिखाएगा सूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद होऊंगा मुझे खुशी और खुर्रमी की खबर सुना ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हो मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में आज सिरे नौ मुस्तकीम रूह डाल मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर अपनी नजात की शाद मुझे फिर इनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे आए खुदा आए मेरे नजात बख्श खुदा मुझे खून के जुर्म से छुड़ा तो मेरी जबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी हाय खुदावंद मेरे होंठ खोल दे हाय खुदा आए बंद मेरे होंठों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सितइश निकलेगी क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं वरना मैं देता ना सोख्त कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी है आए खुदा वो मेरे ऊंटों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सितइश निकलेगी क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं वरना मैं देता सो सोफनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है आए खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को आखिर ना जानेगा सब सुनने वालों को सलाम अर्ज करता हूं खुदा के जोर सर झुका के उसे सिजदा करता हूं और शुक्र करता हूं उसका खुदा का शुक्र हूं इस मौके के लिए जो उसने मुझे फिर बख्श दिया है आप भी खुदा का शुक्र करें क्योंकि जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कीमती होते हैं जब खुदा का कलाम सुनाई दे दिल को अंदर कुछ हो बहुत कुछ हो जाए यही मेरी दुआ है खुदा के जूर यही मेरी फरियाद है ये जो ज़बूर मैंने आपके सामने पढ़ा अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर पढ़िए ये जबूर इक्यावन है जबूरों की किताब है उसमें इक्यावन नंबर का ये जबूर है जो खुदा के बंदे नबी दाऊद ने खुदा उनके प्यारे बंदे ने ये दुआ की है मुझे धो मेरे गुनाहों की तरफ से मुंह फेर ले मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर खुदा यही दुआ मेरी है और वो जो तुझसे ये दुआ कर रहे हैं उन सब पर तेरा फजल हो खुदा उनके प्यार हो आपका भी यह तजुर्बा है मेरा भी यही तजुर्बा है खुदा का कलाम पढ़ने से उस पर सोच विचार करने से और इबादत करने से जैसे आंख खुलती है इंसान की अपनी हालत नजर आती है हम जानते हैं खुदा पाक है सरासर पाक है खुदा के कलाम में बताया गया खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं हमने जबूरों में से पढ़ा था उसमें खुदा का बंदा दाऊद कहता है तू बातिन की सच्चाई को पसंद करता है दिल में क्या है उसे तू जानता है और फिर खुदा का रहम जब किसी इंसान पर होता है जैसे हमने देखा कि खुदा के बंदे दाऊद पर खुदा का रहम हुआ और उसे अपनी जिंदगी में गुनाह को पहचाना तो वो खुदा के जुर् तड़पा है रोया है एक और जगह कहता है 130 जबूर में आए खुदाम अगर तू बदी को हिसाब में लाए तो आए खुदामंद कौन कायम रह सकता है कोई भी नहीं लिखा खुदा के कलाम में हम सबने गुनाह किया है हम सब मुजरिम हमने जुर्म किया है मगरूर मानता नहीं है इस बात को इंसान चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से अपने जमीर को खामोश करें दुनिया वालों की आंखों में धूल डाले और वो ये समझे कि हम बहुत नेक हैं और खुदा से भी यही उम्मीद करता है जैसे खुदा को नजर नहीं आता है लेकिन खुदा का बंदा दाऊद जिसके लिए खुदा ने कहा मुझे एक शख्स अपने दिल के मुआफिक मिल गया है जैसे खुदा ऐसे कह रहा खुदा माफ करे एक ऐसा भी मिला है जिस पर मेरा दिल आ गया है यह वो नबी है क्योंकि जितना कोई खुदा के करीब आएगा उतनी ही गुनाह से उसे परेशानी होगी जाहिर होता है इसकी जिंदगी में और देखो खुदा के बंदे पतरस ने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं पहला पतरस है और उसका पहला बाब है और उसकी चंद आयात हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं देखिए कितना जरूरी है ऐसा लिखा है कि इस वास्ते ये मैं पढ़ रहा हूं पहला पत्रस उसका पहला बाब है मैं तेरह आयत से पढ़ रहा हूं वैसे ये हवाले साथ आ जाते हैं आप उन्हें लिख सकते हैं खुद भी उनको पढ़िए जरूर पढ़िए याद कीजिए खाइए उनको मैं कहा करता हूं इनको खा लो खुदा के कला को मुझे बड़ा प्यार आया किसी भाई ने मुझे वो जो कमेंट्स आते हैं उसमें लिखा कि मैंने खुदा का कलाम खाना शुरू कर दिया बहुत खुदा का शुक्र हो खुदा मुझ पर भी रहम करे देखो कितनी प्यारी बात लिखी है यहां पर इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो मसीह के जहूर के वक्त तुम पर होने वाला है एक फजल है जो हो गया है एक फजल है जो होता रहता है और एक फजल है जो होने वाला है फरमान बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चालन में पाक बनो क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं ये पाक खुदावंद का फरमान है जिसकी तारीफ और तमजीद में सर झुका के हम कहते हैं खुदूस 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 रब्बुल अफवाज पाक खुदावंद तो अगर हमारा उसके साथ ताल्लुक होता है हम उसे जानते हैं उसके करीब आ गए हैं तो जैसे वो पाक है वैसे ही खुदा का बंदा उसके नजदीक आना चाहता है और वहां पाकीजगी दरकार है गुनाहों से परेशानी होती है तंगी होती है घबराहट होती है पाक हो तुम्हारी जिंदगी में पाकीजगी होनी चाहिए अब एक तो पाकीजगी वो है जो जिस्म की पाकीजगी है बड़ी अच्छी बात है तहारत सभी लोग नहाते हैं पाक करते हैं अपने आप को कोशिश करते हैं लेकिन ये वो है पाकीजगी जो जाहिरगी है लेकिन अंदर तो आज खुदा के कलाम में से देखेंगे कि ये जो पाकीजगी जिसका जिक्र हो रहा है जिसके लिए खुदा का बंदा दाऊद खुदा के जो फरियाद कर रहा है मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर मेरे बातिन में अस नौ नए सिरे से वो रू डाल दे मुस्तकीम कुदरत वाली ताकि वो मेरे अंदर से गंदगी को दूर करे मेरे अंदर पाकीजगी पैदा हो क्योंकि जरूर है कि अगर हम उसके करीब आए तो हमारे अंदर पाकीजगी हो किसी किस्म का धोखा किसी किस्म का फरेब किसी किस्म की नापाकी जिंदगी में ना हो यह खुदा चाहता है खुशी की बात यह है कि जिन चीजों का तकाजा करता है खुदा चाहता है हमारे अंदर हो उन्हें वो खुद पैदा करता है इसीलिए खुदा का पाक रूह हमको बख्शा जाता है वो पाक है पाक रूह का सबसे बड़ा मोजा यह है कि वो जिंदगी में पाकीजगी पैदा करता है और बातें बाद में आती हैं वो सारी हुआ करें लेकिन अगर जिंदगी में पाकिजगी नहीं है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि पाकिजगी पैदा करने वाला नहीं है वहां पाकरू नहीं है हमारे अंदर हम पाखरू के नाफरमान हैं, पाखरू को रंजीदा करते हैं वो जाहिर करता है और कहता है कि यह तेरे अंदर, बंदी है तेरे अंदर नापाकिज को मैं निकाल देता हूं और इसके अंदर पाकिजगी पैदा कर दूंगा तो हमें अपने आप को उसके सुपुर्द करते रहना पड़ता है तो फिर वो पाकीजगी पैदा करता है तीन किस्म की पाकीजगी का खुदा के कलाम में से मैं जिक्र करूंगा याद दिलाऊंगा और वो मेरी दुआ अपने लिए है हर मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन अगर आप देखते हैं कि ये बात ऐसा लगता है कि ये खुदा की तरफ से है तो आप भी मेरे साथ साथ आमीन कहिए कहें आए खुदा मेरी जिंदगी में ये पाकिजगी पैदा कर क्यों क्योंकि वो पाक है और खुदा ने मसी ने यह बताया है मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे तो फिर क्या करें इस नापाकी का क्या करें जो हमारे अंदर पैदा होती रहती है आप जब सुनेंगे तो खुदा से यह भी दुआ करते जाइए कि आए खुदा मंद ये जो कुछ मेरी जिंदगी में है, रुकावट है इस पर फतह पाने के लिए मुझे ताकत दे और वो देता है वो अपना कलाम देगा आपको आप उसे खाएंगे उससे पाकिजगी पैदा होगी इस कलाम की खुदरत यह है इससे पाकिजगी पैदा होती है यसु मसीह ने कहा था आपको पढ़ के सुनाता हूं यहुन्ना की झील का पंद्रवा बाब है और उसकी दूसरी आयत में देखो तो कितनी बात कही है खुदा यसु मसीह ने जो कलाम मैंने तुमसे किया है उसके सबब से तुम पाक हो पंद्रवा बाब है यहुन्ना का अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो क्या कुदरत है उसके कलाम में वो मरे हुए इंसान को आवाज देता हुआ आ जाता है पाकिसगी कहता है पाकिसगी पैदा हो जाती है इंसान के अंदर यह है खुदा यसु जिसके कलाम में यह कुदरत है उस कलाम के सबब से जो मैंने तुम्हारे अंदर कह दिया है पाकिजगी पैदा हो गई है इसीलिए खुदा के कलाम को खाओ <laughs> तो देखते हैं खुदा के कलाम में जो पाकिजगी जिसका जिक्र किया गया है पहले पत्रस में से आपको पढ़ के सुनाया मैंने मती इंजील के पांचवें बाप की आठवीं आयत आपको याद दिलाई जहां खुदा ने फरमाया है मुबारक है वो जो पाक दिल है जिनके दिल में पाकीजगी का अमल होता रहता है जैसे गर्द पड़ता है हम उसे धोते रहते हैं इसी तरीके से अंदर से खुदा हमको धोता रहता है नया बनाता रहता है एक बड़ी प्यारी आयत है खुदा के कलाब में करंथियों के खत्म है लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते क्योंकि जो जो हमारी जाहरी इंसानियत जायल होती जाती है नापाक हो जाती है उसके साथ साथ हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है पाक होती जाती है पाकिजगी पैदा होती जाती है इसीलिए खुदा के कला में लिखा है खुदा उनसे मोहब्बत रखने वालों बदी से नफरत करो जहां खुदा से मोहब्बत बढ़ेगी बदी से नफरत बढ़ेगी ये लाजिम मलजूम है यह दोनों ये जरूर होते हैं ऐसा नहीं कि एक हो और दूसरी ना हो जैसे सांस का आना जरूरी है उसके बाद जाना भी जरूरी है इसी तरीके से जहां किसी की जिंदगी में खुदा के लिए मोहब्बत पैदा होगी बदी से नफरत होगी ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा से भी मोहब्बत हो और हर किस्म की बदी से भी ऐसा नहीं हुआ करता वो धोखा है बहुत खौफनाक धोखा है खुदा नूर है उसमें जरा भी तारीखी नहीं तो देखो किस किस्म किस की पाकीजगी खुदा चाहता है सबसे पहली बात यह है कि अगर हम अपने आप को उसके सुपुर्द करें और कहें कि आए खुदा मुझगुनागार पर रहम कर अगर हमारी होश काम करना शुरू करे और हमको यह नजर आ जाए कि यह गुनाह जो हम कर रहे हैं यह हमें खा जाएगा पकड़ा जाता है गुनाह बढ़ता है मौत पैदा करता है अगर इसीलिए लिखा होश में और गुनाह ना करो उधर रम करे कोई सुनता हो तो सुन ले रुक जाओ मत बढ़ो आगे कर लो तोबा कह दो खुदा मुझ पर रहम कर वो रहम करेगा वो माफ करने के लिए तैयार है सबसे पहले इस पाकीज़गी का असर इंसान की जबान पर होता है इसी जबान से हम खुदा का नाम लेते हैं जो पाक है और इसी जबान पर गालियां बसी हुई होती हैं इतनी घिनौनी बातें हमारी जबान से निकलती हैं इतना झूठ और इतना फरेब या छोटा सा हिस्सा है जिसम का आग लगाता है यह पानी में तो मसीही जिंदगी जब खुदा में यूसु मसीह के साथ शुरू होती है तो इस जबान को खुदा का पाखरू अपने हाथ में लेता है और फिर हम खुदा से बात करते हैं पाकिजगी के साथ तोबा करते हैं उसकी तमजीद करते हैं खुदा से बात करते हैं। और फिर उसके बाद जब हम लोगों से मिलते हैं तो खुदा की बात करते हैं वह बात ऐसी होती पुरफजल कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो जायका हो उसमें देखो तो आपकी जबान पर किस किस्म की बातें बसी ये पड़ोसियों के लिए किस किस्म की बात होती है जिनसे हम नाराज हैं उनके बारे में किस किस्म का कलाम होता है हमारी जबान पर अपने बारे में किस किस्म की झूठी तारीफ होती है कितनी शेखी की बातें होती इसी जबान पर भाई पाक पाखरू के सुपुर्द अगर अपने आप को किया है तो सबसे पहले यही होगा पाखरू पाकीजगी पैदा करता है जबान में हम तो ना जाने क्या क्या ढूंढते हैं खुदा की सबसे पहली जो ख्वाहिश पूरी होती है इंसान की जिंदगी में खुदा की ख्वाहिश उसकी जबान पर खुदा की पाकीजगी आबसती है कलाम में पाखीजगी हो कुछ हवाले आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं तो ये आप देखें मेरे साथ यसाय नबी की किताब है उसका पचासवां बाब मैं पढ़ूंगा यसाय नबी की किताब उसका पचासवां बाब और उसमें से एक आयत पढ़ूंगा खुदा खुदा ने मुझको शागिर्द की जबान बख्शी ताकि मैं जानूं के कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं जब खुदा की पाकिज की जबान पर काम करेगी जबान को पाक करेगी तो जो बातें हम कहेंगे थके मांदे को ऐसा लगेगा मेरी मदद हो रही है वरना हम अपनी जबान से कत्ल करते हैं लोगों को मदद नहीं करते मुसीबत पैदा करते मुझरम ठहराते हैं उसे फिर वो जाए कहां किसके पास जाए खुदा आपके पास भेजेगा किसी को तो आपकी जबान को पहले से पाकिजगी से तर करेगा फिर आपकी जबान से वो बात निकलेगी जिससे दूसरे आदमी की मदद हो जाएगी ये यह कुछ का सबसे जबरदस्त काम है सबसे बड़ा मुआवजा है ये, कि हम खुदा से बात कर सकते हैं और दूसरों से खुदा की बात करते हैं दुनिया वाले तरस रहे हैं इस चीज के लिए कोई खुदा की बात बताए हमें हम अपनी बात करते बहुत सारे ऐसे हवाले हैं याकूब का खत पढ़ो देखो कि जबान के बारे में बता दिए छोटा सा उस वह जंगल को आग लगा देता है ऐसी ऐसी बातें हमारी जबान से निकलती है कि कोई आदमी फिर कभी बाइबल नहीं पढ़ेगा उसके बाद कहेगा यह है तुम्हारी तालीम ऐसी जबान खुदा ने तुमको दी है कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जबान पर खुदा की मोहब्बत का ऐसा कब्जा होता है कि उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहते हैं आपने मेरे दिल की बात कह दी हमारे कलाम में पाकीजगी हो खुदा की हमारे काम में पाकिजगी हो पहला पत्रस पंद्रह सोलह मैंने आपके सामने पढ़ा था फिर से देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है पहला पत्रस उसका पहला बाब बस खुदा के ताबे हो जाओ इबलीस का मुकाबला करो खुदावन के सामने फिरोतनी करो ये सारी चीजें हमारे काम में नजर आएंगी और फिर लिखा है सारी नजासत और बदी के फजले को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया है और फिर यह बताया गया है यह आप देखिए पहला पत्रस है उसमें से मैं पढ़ रहा हूं पहला पत्रा पहला बाब उसकी पंद्रह और सोलह आए थे ये फरमान बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो पुराने काम पुरानी ख्वाहिशें पुरानी बातें पुराने शौक अगर आपने मसीह यसू के पीछे चलने का फैसला किया है तो वह सबातें पीछे रह जाएं आपका पीछा ना करें हो मेरे मालिक मुझ पर रहम कर अपने सारे चाल चलन में पाक बनो तुम्हारा चाल चलन तुम्हारा काम ऐसे हो जिनमें जाहिर हो कि आपका खुदा के साथ बहुत करीबी रिश्ता है आप उसकी गुरबत में हैं, आप उसे जान गए आपको मार्फत उसकी पहचान हासिल हुई है वह तो आपके दिल में रहता है आपका दिल खुदा के पाक पाखरू का मकदिस हो गया है ये इससे पता लगेगा आपके कामों से पुराने काम नहीं उनसे नफरत हो जाएगी और तीसरी चीज जो है वो दिल में ख्यालात जो पैदा होते हैं उसमें पाकिज होनी चाहिए ये बहुत मुश्किल है बहुत बड़ी जंग है बहुत बड़ी जंग है देखो मैं आपको एक जगह से खुदा के कलाम में से पढ़ के सुनाता हूं यह करंथियों के खत में है ख़्यालात की पाकिजगी है कहता अगरचे हम जिसम में गुजारते हैं जिंदगी गुजारते हैं लेकिन जिसम के मुताबिक लड़ते नहीं अगरचे जिसम में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं इसलिए कि हमारी लड़ाई का हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल है चुनाचे हम तस्वुरात वो जो तस्वुर पैदा होते हैं ख्याल तस्वीरें आती हैं वो तस्वीरें जो हम देखते हैं वो नजर आती हैं तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए ढा देते हैं तोड़ रखते हैं डाल देते हैं उन्हें और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमान बरदार बना देते हैं ऐसा होता है खुदावन हम खुदा युस मसीह के दूर आके कहते यह मेरा ख्याल तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है इसे अपने ताबे कर ले मैं तेरा हुक्म मानने को तैयार हूं तो देखा आपने हमारा खुदावन पाक है हमारा खुदा गुनागारों को तोबा करने के लिए पास बुला के कहता ला मैं तेरी तकदीस कर दूं तुझे पाक कर दूं और फिर उसका नतीजा यह होता है कलाम में पाकिजगी होती है काम में पाकिजगी होती है ख्याल में पाकिजगी होती है मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, यही नहीं कि वो मरने के बाद देखेंगे उसे इसी जिंदगी में वो खुदा की मोहब्बत के मोजरात अपनी जिंदगी में देखते हैं यह आपकी दुआ है मेरे लिए भी दुआ करो रात दिन मेरी भी खुदा के जूर यही फरियाद है मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आप और खुदा ने मुझ पर रहम किया याद दिलाया जबूर इकान और उसकी तिलावत की गई मैंने आपको पढ़ के सुनाया है और हमने यह नतीजा निकाला खुदा के कलाम के मुताबिक कि खुदा पाखर वो चाहता है कि उसके परस्तार पाकिजगी के साथ अपनी जिंदगी बसर करें खुदा की पाकीजगी उनके कलाम में हो उनके काम में हो और उनके ख्यालात में हो सोचे भी ऐसी बात जो खुदा को पसंद आई तो खुदा के बंदे ने दुआ की क्या खुदम मेरी बदी को मुझसे धो डाल मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर ये इक्यावन में जबूर में से मैंने आपको पढ़ के सुनाया था यह मेरी दुआ है एक और जगह से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं वो है पच्चीस मजबूर इसमें बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं आप इसको खुद पढ़िए कैसी प्यारी दुआ है खुदा मुझे अपनी राहें दिखा अपने रास्ते मुझे बता दे फिर लिखा मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर माफ कर दे लिखा खुदा वो नेक और रास्त है इसलिए वो गुनागानों को राह हक की तालीम देगा कैसी अजीब बात और कितनी खुदा की मोहब्बत पर है जरा गौर कीजिए चूंकि वो पाक है खुदा नेक है और रास्त है इसलिए अरे भाई जो अपने आप को नेक और रास्त समझते हैं वो गुनागारों से नफरत करते हैं उन्हें मुजरिम ठहराते हैं उनके हाथों में पत्थर है तलवारें हैं यह कैसा खुदा है जिसने अपने आप को जाहिर किया है वो कहता है खुदावंद नेक और रास्ता, इसलिए वो गुनाहगारों को राह हक की तालीम देगा क्योंकि और कोई नहीं गुनागार को मुंह लगाएगा वो कहता है खुदावंद अपने नाम की खातिर मेरी बदकारी माफ कर दे क्योंकि वो बड़ी है खुदाबंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है उसकी जान राहत में रहेगी चैन रहेगा यह जबूर पच्चीस माह इसको जरूर पढ़िए कितनी प्यारी दुआ है खुदाबंद मुझ पर रहम कर मेरे अंदर पाक दिल पैदा करता कि मेरे घर में पाकिजगी हो कलाम में काम में ख्यालात में तेरी पाकिजगी हो क्योंकि तेरे कलाम में यह बताया गया है खुदावंद से मोहब्बत रखने वाले बदी से नफरत करो खुदा करे हमारी जबान हमारे काम हमारे ख़यालात पाक किए जाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसके करीब आ सकें नजदीक आ सकें ज्यादा से ज्यादा खुदा की मोहब्बत हमारी जिंदगी में काम करे आप कहोगे ये कि आए खुदा मुझ पर रहम कर आए खुदा मुझ पर रहम कर यसु मसीह की खातिर से आमीन